स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का एलजब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 लेके आ गए। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक फार्मूला बताऊँगा, टी एन करके उसका नाम है। क्या नाम है उस फार्मूले का? हम लोग टी एन करके बोलते हैं। आप लोग एन को एन नंबर ऑफ टर्म भी ले सकते हो। ओके, अभी आपको जैसे कि प्रैक्टिस सेट 3.2 में आपको आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में आपको वही सब निकालना है, एन टर्म निकालना है। तो अगर आपको टी एन का फार्मूला मालूम रहेगा तो आप आराम से निकाल ले जाएंगे। तो आइए आज के बिना इस लेक्चर को बिना किसी देरी से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टी एन का फार्मूला जानेंगे कि उसका फार्मूला है क्या। मैं आप लोग को फार्मूला बताऊँगा और जो क्वेश्चन नंबर 1 की 4 एक्टिविटी है ये सब सॉल्व करा के दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ फार्मूला, किसका फार्मूला है क्या। हमें टी एन निकालना है। क्या निकालना है? टी एन। ये टी एन निकालने के लिए फार्मूला है। तो क्या है? ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अब चाहे इसे आप याद कर लो, कुछ भी कर लो, आप याद कर लो, समझ लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो। देखो उसका क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। मेरे हिसाब से तो आप इसको समझ लो, बहुत ईजी। इसमें क्या, देखो टी एन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, टी एन निकालना है। सपोज आपको आपको टी एन 20 का निकालना है, तो आप यहाँ पर लिखना 20 इज इक्वल टू ए ए। मतलब क्या होता है कि उसका एक सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म में आप लोग को 3.1 में आप लोग प्रैक्टिस करके आ रहे हो, यहाँ पे लिखना ए एन माइनस वन। आप लोग जो यहाँ पे जो लिखे 20 हो इसी को 1 से माइनस करना, मल्टीप्लाई बाय डी। मतलब कॉमन डिफरेंस कि आपको एक सीक्वेंस दिया रहेगा, उसके बीच में जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको उसको आप लोग को यहाँ पे लिख के इसको इससे इसको इसको माइनस करना, इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसको प्लस कर देना, आपका टी एन मिल जाएगा। बस इतने छोटे से कंसेप्ट है। तो फार्मूला फिर से आप लोग सुनो, क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। क्या है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने आपसे क्या क्या पूछा, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ए पी। ए पी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ओके, आपको यहाँ पे कुछ कुछ बॉक्सेस दिए, इस बॉक्सेस को आप लोग को फुलफिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का, सब क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है, 1, 8, 15, 20। आपको यहाँ पे क्या दिया, सीक्वेंस दिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर ए इज इक्वल टू ए, हमारा क्या है, ए अभी वैल्यू में लगी। लेकिन टी वन क्या, तो हम लोग का टी वन, टी टू, टी थ्री, टी टी फोर, हम लोग इसको बोलते हैं। आइए हमारा टी वन में आ जाएगा 8, टी टू में आ जाएगा 15, एक मिनट, और टी वन में हमारा दोस्तों आ जाएगा 1, टी टू में हमारा जाएगा 8, टी थ्री में हमारा जाएगा 15। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको एक चीज़ पता होगा, मैं आप लोग को 3.1 जब सॉल्व करा के दिया था उसमें मैं ये भी बताया था कि जो हम लोग का जो टी एन टी वन होता है उसी को हम लोग ए का भी वैल्यू मानते हैं। तो ये आपको मालूम होगा, चाहे आप उसको टी वन बोलो चाहे ए आ ए ए ए टर्म बोलो, बात दोनों एक ही होती है। तो हमारा देखो सबसे सबसे फर्स्ट बॉक्स में 1, फिर 1, 8, 15, इस तरीके से लिखो। टी टू माइनस टी वन दिया, तो हमारा टी टू क्या है, टी टू ए रहा हमारा 8, और माइनस किससे करना है, 1 से। तो 8 माइनस, देखो यहाँ पे 8 माइनस 1 हमारा हो जाएगा इक्वल टू 7, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। अभी यहाँ पे क्या दिया है, टी थ्री माइनस टी टू, तो हमारे पास टी थ्री कितना है, 15, और टी टू हमारा था 8, 15 माइनस 8 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7, तो हमारा डी निकल गया 7। ओके, आपका अगर पहला क्वेश्चन चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो इसमें क्या है, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, और यहाँ और इसमें 7, 1, 8, 15। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड में आपसे क्या पूछा है, 3, 6, 9, 12। यहाँ पर 3, 6, 9, 12 दिया है, तो हमारा टी वन क्या होगा, 3 होगा, और टी टू हमारा 6 होगा, टी थ्री हमारा 9 होगा, टी फोर हमारा 2, 12 होगा। आपको यहाँ पर टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू को फाइंड करना है। देखो हमारा टी टू क्या है, 6 है, और टी वन 3 है। देखो 6 माइनस 3 तो आपका कितना आएगा, आपको आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अभी यहाँ पर क्या दिया नेक्स्ट में, टी थ्री माइनस टी टू, आपके लिए टी थ्री क्या है, 9, 9 माइनस 6 तो कितना हुआ, 9 में से 6 गया तो बचा 3।
हमारा डी भी हो जाएगा 3, 3 मतलब 3, पता ही है 1 2 3 4 1 2 3 सब पता ही होगा आपको। हमारा डी कितना हो गया, 3 हो गया। इसका भी चाहिए स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। इसमें इसमें देखो फर्स्ट फर्स्ट में 3 6 9 12, इसमें 3 3 3 सब में 3 3 रहेगा। अभी सब क्वेश्चन 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा है, -3 -8 -13 -13 -18। ओके सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे दिया क्या है, देखो T3 T2 T4 T1, इसमें आप बोलोगे उल्टा क्या है दिया है, इसमें कुछ नंबर उल्टे तरीके से पूछे हैं। तो हमारे पास T3 कितना है, -13, तो लिखो -13। और T2 हमारे पास कितना है, -8। और T4 हमारे पास है -18। T1 में हमारा है -3। हमारा पहले बॉक्स में आएगा -13, सेकंड में -8, थर्ड में -18, फोर्थ में -3। ओके अब क्या बोल रहा है, T2 -T1। अभी आप T2 को T1 से क्या करो, माइनस करो। तो हमारा T2 क्या है, -8, और T1 क्या है, -3। देखो मैं आपको नोटबुक के ऊपर भर के बताता हूँ। T2 -T1 हमें करना है। हमें T2 कितना दिया, T2 दिया -8। ओके फिर माइनस T1 कितना हमारा, -3। हम लोग करते हैं, हमारा ये -8 ऐसे ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस किया क्योंकि हमारा ये T2 माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 3। अब देखो माइनस प्लस माइनस तो क्या आएगा, -5 आ गया। कितना आ गया, -5। तो 8 में से 3 गया, बचा 5, वो भी -5। क्यों नहीं है -5, क्योंकि हमारे बड़े नंबर की तरह माइनस है। तो यहाँ पर लिखेंगे -5। यहाँ पे आप लिखो T2 -T1 = -5। अब T3 - T2, T3 मतलब ये जो आपको जो -13 दिख रहा है, इसको माइनस करो अपना किससे, T2 8 से करो, तो कितना बचता है। तो देखो आइए मैं रफ बुक में वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। T3 - T2, ओके -13 - 8, हमारा -13 ऐसे ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस प्लस 8 हुआ, माइनस प्लस माइनस टू की बड़े चाहिए जरा माइनस है, तो हमारा आएगा 5। 13 में से 8 गया 5, तो हमारा कितना आया, -5। तो यहाँ भी लिखो -5। अब हमें क्या पूछा है, ए और डी बताओ। तो ए हमारा क्या होगा, जो हमारा T1 था, हमारा T1 कितना है, -3। तो ए में हमारा आ जाएगा -3 और डी में आ जाएगा -5। कैसे, हमने यही दोनों यहाँ पे निकाला -5। फिर से सुनो, आपको बॉक्स में क्या लिखना है, -13 - 8 - 18 - 3, इधर -5 -5 -3 -5। ओके अब फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, 70 60 50 40। तो आइए T1 हमारा क्या है, 17, T2 कितना है, 60, T3 कितना है, 50। अभी इसमें सिर्फ आपसे A और D पूछा, तो हमारा A क्या हो गया, 17, D क्या हो गया। तो हम लोग D कैसे निकालते हैं, T2 - T1 निकालते हैं, तो हमारे लिए T2 कितना है, 16। आ जाओ 60 - 70 मतलब 60 - 70, तो -10 हमारा आ जाएगा -10। अभी आप 50 - 60 फिर -10, अभी आप 40 - 50 करो, तो आपको -10 - 10 में इसका आंसर मिलेगा। आपका यहाँ पे फोर क्वेश्चन सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करा के दूंगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 कितना आपको 9 8 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके अगर आज के इस लेक्चर में आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। दोस्तों अगर आप लेटेस्ट 3.1 नहीं देखे हो, तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। और दोस्तों आप लोग कल ये फार्मूला जरूर याद रखना, ये फार्मूला TN = A + N - 1 × D। कल का पूरा सम इसी फार्मूले के ऊपर रहेगा। आपको यहाँ पे जितने भी सम दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक, इसी फार्मूले के ऊपर हमारा क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो ये फार्मूला आप लोग कल रखना याद, हम लोग कल करेंगे हमको सॉल्व। तो आइए आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी से हम लोग दी एंड करते हैं। आप लोग ब्रेडस्टर 3.1 नहीं देखे होंगे, तो प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।